मुंबई के कासिम मीरा से सनसनीखेज मामला, पारिवारिक आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी मौत की कहानी। मुंबई के कासिम मीरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कासिम मीरा के एक होटल में 7 साल की बच्ची का शव पाया गया है। मां की हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली प्राथमिक जानकारी अनुसार बसई के रहने वाले 38 वर्षीय रयान ब्राको, 30 वर्षीय पत्नी पूनम ब्राको व 7 वर्षीय बेटी अनायका ब्राको कासिम मीरा के सीजन्स होटल में रविवार की रात रहने आए थे, जिसके बाद पति रयान सहित पूरे परिवार ने चूहे मारने वाली जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अगली सुबह जब 7 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई और पत्नी की हालत बिगड़ने लगी, तो यह देखकर पति रयान सोमवार सुबह 10 बजे के आसपास होटल से फरार हो गया। दोपहर 1 बजे के आसपास जब पत्नी पूनम ब्राको को होश आया, तो उसने मदद की गुहार लगाई। आवाज सुनते ही होटल स्टाफ ने रूम का दरवाजा खोला, तो पूनम ब्राको की हालत काफी नाजुक थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए होटल मालिक ने तुरंत कासिम मीरा पुलिस को इत्तला दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूनम ब्राको को भाईंदर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया और आगे की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने कमरे में से जहर की बोतल भी बरामद की है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला पारिवारिक आत्महत्या करने की कोशिश का लग रहा है, लेकिन चूंकि पति रयान ब्राको फरार है, इसीलिए यह घटना हत्या की ओर भी इशारा करती नजर आ रही है। मिड्डे में छपी एक खबर के अनुसार रयान ब्राको फरार है और वह पूनम का मोबाइल भी अपने साथ ले गया है। साथ ही यह भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पत्नी पूनम ब्राको पर जहर का असर नहीं हुआ था, इसीलिए रयान ने पूनम का गला दबाने की भी कोशिश की थी। पुलिस अनुसार पुलिस लगातार रयान के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है तथा रयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और रयान की तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले यह परिवार वसई के एक होटल में भी कुछ दिन रुका हुआ था और वहां पर बिल नहीं भर पाया था। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके वजह से उन्होंने अपना फ्लैट भी बेच दिया था। रयान एक प्राइवेट फर्म कंपनी में काम करता था और फिलहाल वह बेरोजगार था। रयान के ऊपर बहुत सारा कर्ज होने की वजह से उसने पारिवारिक आत्महत्या की नाकामयाब कोशिश को अंजाम दिया और होटल से फरार हो गया। इस पूरे मामले ने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है और दाव पेचों में उलझी हुई यह कहानी आत्महत्या कम और हत्या की ओर ज्यादा इशारा कर रही है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यदि पारिवारिक आत्महत्या के उद्देश्य से तीनों लोगों ने जहर पिया था, तो पति रयान पर उसका असर क्यों नहीं हुआ? वह कैसे बड़े ही आसानी से होटल से फरार हो गया? सवाल यह भी है कि अगर आत्महत्या की गई, तो पति रयान पत्नी का मोबाइल फोन अपने साथ क्यों ले गया? फिलहाल पुलिस ने रयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की सटीकता से जांच करते हुए रयान की तलाश में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि कासिम मीरा पुलिस कब तक आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी मौत की कहानी की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होती है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।